मैं जर्नी कर रहा हूँ एलटीटी पटना में जनता एक्सप्रेस में, और मुझे प्रिंट इसका कितना प्रिंट आप उखा रहे हुए, देखिए देखो ना, देखिए यहाँ प्रिंट दूसरा दिखाइए, ऐसे में काम चलेगा? अरे देख लो पहले प्रिंट देख लो, इसमें 30 है देखिए, 40 दे देंगे तुम्हारा मांगा तो, तब छोड़िए तब मैंने प्रिंट। जी कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 03202 LTT पटना कोविड स्पेशल जनता एक्सप्रेस, जो कि रोजाना LTT से रात 10:15 में निकलती है और आपको 36 आवर मतलब 35 घंटा 45 मिनट की जर्नी के बाद सुबह 10 बजे पटना पहुंचाती है। तो हम लोग लगभग 36 आवर की जर्नी करने वाले हैं। और एक बात आपको पता है, इस ट्रेन का कितना हॉल्ट है LTT से पटना के बीच में, इस ट्रेन का 60 हॉल्ट है। वो अभी टाइम हो रहा है 6:35 और ट्रेन है 10:15 में, बहुत समय बाकी है। मैं पहले ही आ गया, होटल से चेकआउट कर दिया, सोचे होटल में सो के क्या होगा भाई, पहले पहुंचेंगे तो सही रहेगा। तो पहले पहुंच के मैं इंतज़ार कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं। और स्टेशन अभी देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। अमूल खुल दीजिएगा, कितने का? कितना? 30 45 हो गया आप, चलिए थैंक यू, 50 हुआ ना, चेंज के कारण हम ऐसा किए। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है 7:35 और अभी भी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही हूँ और अभी ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट में ट्रेन अपनी आ जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ। और आप इधर देख सकते हैं, इधर लगा हुआ है LTT गोरखपुर और इधर लगा हुआ है LTT पाटलिपुत्र। तो अपनी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सो गाइस, तो ये रही अपनी कोच B1 और ये रही अपनी सीट 63, रेल फैन का पसंदीदा सीट। हाँ जी, तो हमने अपना बेड सीट बिछा लिया है क्योंकि 36 आवर की जर्नी होने वाली है, तो पहले ही बेड बिछा लिए हैं, इसी पे सो के जर्नी करेंगे। और एक बात, लास्ट जर्नी में मेरा बेड सीट फट गया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या कीजिएगा, हंसिएगा नहीं, सुदामा का बेड सीट है। कन्हैया ने सुदामा से पूछा, ए कहाँ जाते हो, तो पटना, भाई पटना जा रहे हैं। और ट्रेन आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि मुंबई से पटना जाने वाले कोई पैसेंजर नहीं है, बहुत कम पैसेंजर है। फिर उधर से जितने भी श्रमिक भाई लोग गए हैं, उधर से सीट मिल ही नहीं रहा है और इधर से ट्रेन खाली जा रही है। अभी ट्रेन निकलने में लगभग 1.5 घंटा का समय बाकी है, और मैं आपको बता दूँ, स्लीपर में अभी भी 373 सीट खाली है, थर्ड एसी में अभी भी 120 सीट खाली है, सेकेंड एसी में अभी भी 52 सीट खाली है, समझ सकते हैं। तो ये हाल है भाई, जो चले गए वो आ रहे हैं, अब जाने वाले नहीं हैं यहाँ से, इस वजह से ट्रेन इधर से खाली ही जा रही है। सो गाइज, तो अपनी ट्रेन बिल्कुल टाइम से LTT से निकल चुकी है 10:15 पर। लो जी, अब मैं आ गया हूँ वॉशरूम में, और वॉशरूम का कंडीशन भाई साहब A1 है, भाई के लैंग्वेज में आप देख सकते हैं सामने मिरर, इसमें आपके भाई का फेस चमचमाता हुआ दिख रहा है। ये रहा बेसिन, आप देखिए टैप लिक्विड सोप, इसमें लिक्विड तो है नहीं। और ये रहा वॉशरूम का कंडीशन, कंडीशन काफ़ी अच्छा है, नई LHB कोच है तो कंडीशन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ट्रेन जब पटना पहुंचती है तो क्या कंडीशन ऐसा रहता है। सो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कल्याण जंक्शन आने वाला है रात 11 बजे के लगभग, वहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उस स्टेशन को हमने लास्ट जर्नी में कवर किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो अब जाके देख सकते हैं। और अब मैं सोता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ सुबह में। और एक बात, 36 घंटा की ये जर्नी होगी तो जीन्स पहन के तो भाई सो नहीं सकते हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, लोअर पहनेंगे और सोते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह में, गुड नाइट। नेक्स्ट डे, कितने का? 10 की। नाश्ता उस्ता में क्या मिलेगा? नहीं, क्या होगा?
गया यार। इस ट्रेन का कॉफ़ी कम, पानी ज़्यादा लग रहा है। 10 रुपया लिया गया, पानी है पानी, गर्म पानी पी रहे हैं। रात में सोचे थे कि भुसावल जंक्शन कवर करेंगे, लेकिन नींद ऐसी आई कि मैं उसे कवर कर ही नहीं पाया। बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि पैसेंजर बहुत कम जर्नी कर रहे हैं ना इस ट्रेन में, तो हो हंगामा कुछ हुआ ही नहीं, डिस्टर्ब हुए ही नहीं, इस कारण नींद खुली ही नहीं। अभी जाके नींद खुली है। अमूल अमूल दूध कितने का? 40। 40 40 प्रिंट इसका कितना? प्रिंट आप खा रहे हुए हैं, देखिए, देखो ना, देखिए आप दूसरा दिखाइए, ऐसे में काम चलेगा? अरे देख लो, पहले प्रिंट देख लो। इसमें 30 है, देखिए 40 दे देंगे, तुम्हारा मैंने तो तब छोड़िए, तब मैंने प्रिंट 30 है, हम 40 कैसे दे दें? नहीं सर, मैं सेट करना थोड़ी दे रहा हूँ। तो गाइस, तो यही अमूल कूल मुझे पड़ा 30 का, वो दे रहे थे 40 का। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, बाल्टी में लेकर जो घूमते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, उनसे आप ना लें, वेंडर वाले से लें। टाइम हो रहा है 10:45 और कुछ देर में हम लोग पहुँचेंगे इटारसी जंक्शन। उससे पहले हम लोग खांडवा जंक्शन पे जैसे ही बाहर निकले थे उस वक्त सीट पे ये रख दिया गया था, लिखा हुआ यादव फूड्स और यादव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट। खाने का ऑर्डर के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। इसमें डिलक्स थाली है 100 रुपया का, राजभोग थाली है 200 रुपया का, संपूर्ण थाली है 150 रुपया का। तो वैसे हम बात किए हैं पेंट्री में कि खाना उपलब्ध है या नहीं, तो वो बोल रहे हैं खाना इटारसी से मिलेगा, पेंट्री में खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो भी मिलेगा 110 का। तो भाई मैं सोच रहा हूँ उससे बढ़िया मैं डिलक्स थाली यादव जी का ऑर्डर करते हैं और मंगाते हैं इटारसी में, देखते हैं टेस्ट कैसा है और इस थाली में क्या क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जर्नी कर रहा हूँ LTT पटना में जनता एक्सप्रेस में, और मुझे मुझे डिलक्स थाली चाहिए। मेरा कोच है B1 और सीट नंबर 63, हाँ 63 63। वेज थाली, डिलक्स थाली चाहिए, डिलक्स थाली एक एक सिंगल, हाँ एक, ठीक है ठीक है, मैं वहीं रहूँगा। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो हमने ऑर्डर कर दिया, फ़ोन नंबर दिया हुआ था तो फ़ोन नंबर से ही ऑर्डर करना था, और हम लोग बस कुछ देर में पहुँचने ही वाले हैं, आधा घंटा में इटारसी ट्रेन अभी लेट चल रही है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें डिलक्स थाली में। वैसे तो दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या, लेकिन जब आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इटारसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ET, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। और चाइनीज वाले से पहले यहाँ रोजाना 355 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी फिलहाल सिर्फ 19 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। हमने यादव जी का खाना ऑर्डर किया, वेट कर रहे हैं, आते हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा।
सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ इटारसी में साफ सफाई हो रहा है। ये तो है, चल वही क्या है, आए नहीं 100 ना जो लिखा हुआ वही है ना इसमें। चलिए थैंक यू। कितने का? 35 रुपये, 35। एक ये कर दीजिए, ये कितने का? 20 रुपये। टोटल कितना हुआ? 55। सो गाइज हमने यहाँ पे ले लिया ये लस्सी और आइसक्रीम, क्योंकि खाने के बाद ये खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो अब बारी है यादव जी के खाने को ट्राई करने का, 100 रुपया पर आज थाली का। और मैं आपको दिखाता हूँ इस थाली में क्या क्या मुझे सर्व किया गया है, मतलब थाली में क्या क्या है। ये चना मसाला, दाल फ्राई, चटनी, राइस, ये 4 रोटी है इसमें, सलाद, रायता, नमक, और ये हमने लिया लस्सी स्टेशन पे, इटारसी स्टेशन पे, और आइसक्रीम। अब टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है, 100 रुपये में कैसा टेस्ट मिल रहा है। सो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट को अच्छा भी नहीं कह सकते हैं ना ही ख़राब कह सकते हैं, मतलब एवरेज है। खाना तो गर्म है, एवरेज है, अच्छा भी नहीं है ना ही ख़राब है, खा सकते हैं, 100 रुपये में इतना सही है। और अब ये लस्सी, ये भी हम लिए थे इटारसी स्टेशन पर, श्रीधी का है, 35 का पड़ा। और भाई बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका, बहुत बढ़िया। लो जी, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर, जिसका स्टेशन कोड है JBP, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 25 मिनट डिले। जबलपुर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है, और चाइनीज वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 172 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 12 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, तो हमने यहाँ से लिया है ये चिकन बिरयानी, बहुत दिन हो गया था चिकन खाए हुए, तो यहाँ से लिए 150 का मुझे पड़ा, पीछे दिख रहा होगा, रात में यही खाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं चूना पत्थर का शहर कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका स्टेशन कोड है KTE, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। चाइनीज वायरस से पहले यहाँ रोजाना 167 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी सिर्फ 10 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। ये हम लोगों का 35वां हॉल्ट है, अपना तो नहीं लेकिन इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट है, मतलब लगभग 25 हॉल्ट और कवर करना है। ब्लॉग में आपको नहीं दिखेगा लेकिन 25 जगह ट्रेन और रुकेगी,
अगर मैं सभी स्टेशन को कवर करूंगा तो भाई मूवी बन जाएगा और आप लोगों को मूवी देखना नहीं। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आप देख सकते हैं मुंबई वाराणसी महानगरी स्पेशल आ रही है, दिख रहा है आपको। और हम लोगों की ट्रेन 15 मिनट से यहीं रुकी हुई है कटनी में। ट्रेन खाली है, स्लीपर कोच भी खाली है, लगभग खाली है, कुछ कुछ पैसेंजर हैं। सो अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है 15 मिनट रुकने के बाद, जब यहाँ 5 मिनट का ही हॉल्ट था और हम लोग यहाँ डिले भी पहुँचे थे 15 मिनट। अब हम लोग आ चुके हैं सतना जंक्शन, स्टेशन कोड STA और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 30 मिनट डिले। जी हाँ, सतना जो है ना मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे UP में, उत्तर प्रदेश में। वैसे यहाँ रोज़ाना 188 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी वायरस से पहले, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 12 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। जबलपुर में हमने जो बिरयानी लिया था, अब ट्राई करने की बारी आ गई है, खाना है, फटाफट सो जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ मीठा ले लेते हैं यहाँ से। रेल नींद, तो ये हो गया मीठा, ये हो गया पानी अपना। कितना हुआ? हो गया आपका 45। 45 कई लोग कमेंट सेक्शन में जाके ये बोलते थे कि भाई आप सिर्फ वेज दिखाते हैं, नॉन वेज भी खाया कीजिए। वैसे हम बहुत कम खाते हैं, बहुत कम, रेयर। तो आज चिकन बिरयानी लिए हैं, टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं टेस्ट कैसा है। 150 का पड़ा, 150 कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? मुझे तो लगा है कुछ ज़्यादा। चलिए वैसे टेस्ट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। दो लेग पीस है, तो इसमें दो लेग पीस दिया गया है। टेस्ट एवरेज है, चल सकता है। तो खाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं खाने के बाद। हजी तो रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग कुछ देर बाद पहुंचेंगे मानिकपुर जंक्शन। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है मानिकपुर पहुंचने में और ट्रेन 50 मिनट डिले हो चुकी है। सो अब जा रहे हैं सोने के लिए, सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अर्ली मॉर्निंग, जहाँ भी नींद खुलेगी बिहार में ही मुलाकात होगा। सो गुड नाइट, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिहिया रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है बिहार में, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ बिफोर 30 मिनट पहुंचे हैं, तो ट्रेन यहाँ 30 मिनट एक्स्ट्रा देर रुकेगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पटना कोटा एक्सप्रेस लगी हुई है। इस ट्रेन के बारे में बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था लेकिन मैं नहीं बना पाया था, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इन फ्यूचर ज़रूर मैं इस ट्रेन में जर्नी करूँगा और दिखाऊँगा। अभी तो भाई ये ट्रेन चल ही नहीं रही है, तो कैसे बनाओ।
हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं आरा जंक्शन स्टेशन कोड ARA और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिफोर 20 मिनट। चाइनीज वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 144 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल 14 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं पटना और ट्रेन बिफोर चल रही है। और एक बात, अब जब भी ट्रेन जर्नी करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोतल खरीदते हैं, पानी पीते हैं, इस तरह बोतल फेंकिएगा नहीं इधर उधर। क्या करना है मैंने लास्ट जर्नी में भी आपको बताया था और अभी भी मैं बताता हूँ, इसके कैप को इसके अंदर डालना है, इसे इस तरह कर देना है ताकि इसे कोई यूज ना कर सके। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पटना 45 मिनट बिफोर और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम लोग बिफोर पहुंचे और वाशरूम का भी कंडीशन अच्छा था। इसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत कम लोग जर्नी कर रहे थे। अगर मैं बात करूं फेयर की तो मैं जर्नी कर रहा था 3rd AC में, इसका फेयर मुझे पड़ा 1800 और खाना पीने का क्या सीन था वो मैंने आपको जर्नी में दिखाया। तो चलिए चलते हैं बाहर, फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो अभी आप बाहर आते हैं स्टेशन से बाहर तो कुछ भी आपसे ना पूछा जाएगा ना ही थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, तो बेफिक्र होके आप आइए, जर्नी कीजिए। सो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और आई होप आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा दीजिए, एक बार दबा चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं दबाएँ तो भाई दबा दीजिए। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, ऐसे नहीं, लव यू।